तो सर्वप्रथम हम गुरु वंदना करते हैं। संतों की परंपरा में गिरा गुरु का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि गुरु की ऐसी शख्सियत है जो अंधेरे से प्रकाश की ओर लाती है। और किसी भी क्षेत्र में चला जाए तो गुरु के बिना हमारा काम होने वाला नहीं है। जितने भी भगवान हुए बड़े बड़े, उनको भी गुरु करना पड़ा, तो हमें भी गुरु करना पड़ेगा। और गुरु वो कौन से, उसकी भी तहकीकात करना पड़ेगी। क्या कौन से गुरु? कबीर कहते हैं, गु अंधियारा जान ये रू कही ये प्रकाश, मिटे अज्ञाने ज्ञान ते गुरु नाम है तास। हम स्कूल में जब पढ़ते हैं, अगर हम कोई कलेक्टर बन जाते हैं या एसपी बन जाते हैं, तो हम किस टीचर में पढ़ाया वो भी हम भूल जाते हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में क्या हो गया है, गुरु अगर आपने किसी दीक्षा ली तो आप उसके चरण छुइए, रोज उसके आरती उतारिए, रोज पैसे चढ़ाइए उनको, हर साल उनको कुछ देना पड़ता है, ऐसे नहीं। कु अंधियारा जानिए रू कहिए प्रकाश, मिटे अज्ञानी ज्ञान ते गुरु नाम हेतास। हमारी अंधकार मिटा दे, हमारा जो अंधविश्वास है उसको मिटा दे, उसको कहते हैं गुरु। और वो गुरु कहीं अंदर बाहर नहीं, अंदर ही है। अंदर के गुरु को जगा दे, उनका नाम है गुरु। तो मैं वैसे ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, मैं आप सब विद्वजन हैं, जब जानकार हैं, तो मैं इस कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। गुरु को मेरी बंदगी, गुरु को मेरी बंदगी और कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंगी को गुरु कर ले आप समान। भृंगी एक कीड़ा होता है, वो अंडे या बच्चे नहीं देता है, वो कीट को पकड़ के ले जाता है और उसको गुंजार दे करके भौंरा बना देता है। कीट को पकड़ करके उसको गुंजार देता है, गुन गुन करके उसको भौंरा बना लेता है। इसी तरह से गुरु भी अपने ही जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, वो उसको छोटा या बड़ा नहीं बनाते, उसके ही जैसे बनाते हैं। इसलिए गुरु का स्थान बड़ा है। और सात दीप नव खंड में, सात दीप नव खंड में गुरु से बड़ा नहीं कोई। करता तो कोई कर न सके, गुरु करे सो। और अपने आप को कहते हैं कि मुझे भगवान ने ये कर दिया, वो कर दिया, यूं कर दिया, मेरा नुकसान कर दिया, मेरा ये हो गया, वो हो गया। जबकि संत या कबीर कहते हैं, करनी करे तो क्यों डरे, करनी करे तो क्यों डरे, फिर कर ही क्यों पछताए। अरे तूने बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से खाए। राम किसी को मारे नहीं, सबके दाता राम। अपने आप मर जाएंगे, कर कर खोटे काम। ऐसा संदेश दिया संतों ने, और हम उल्टा करते हैं। कहते कि सूर बिना मिले न सरस्वती है, और हम पहले सरस्वती की पूजा करते हैं कि मुझे सूर देना। जबकि संदेश क्या दिया कि सूर के बिना सरस्वती प्रसन्न नहीं होगी, लेकिन हम कहते हैं नहीं, सरस्वती हमारा सूर देना। तो ये हमारी विडंबना, हमको जानकारी लेना पड़ेगी, समझना पड़ेगा। इसलिए गु अंधियारा जानिए रू कहिए प्रकाश, हमारी रू को पहचानना पड़ेगा कि क्या कहना, क्या करना चाहिए। तो देखिए गुरु वंदना, thank you.
आज्ञान जीवनो गुरु जी शरणों में आयो। आज्ञान जीवनो गुरु जी शरणों में आयो। क्या कर देना ज्ञान को दीपक गुरु जी का सागर तमरे लाख लाख वंदना। गुरु गम का सागर तम के लाख लाख वंदना। और क्या लख हो 84 में जीवड़ो भटकी न आयो। लख हो 84 में जीवड़ो भटकी न आयो। अब की 84 गुरु जी हमारी अब की 84 गुरु जी छुड़ाई होती जो गुरु गम का सागर तम के लाख लाख वंदना। गुरु गम का सागर तम के लाख लाख वंदना। ऐ लाख लाख वंदन तमने कोटि कोटि वंदना। गुरु गुण का सागर तम के लाख लाख वंदना। गुरु गम का सागर तम के लाख लाख वंदना। और सदगुरु कबीर साहब के शिष्य थे धर्मदास साहब, उनके परम शिष्य थे। उन्होंने इस भजन को गाया, उन्होंने ये वंदना पेश की है कि गुरु की ताकत कैसी, अगर गुरु नहीं होते मेरे जीवन में तो डूबने जा रहे थे, मरने जा रहे थे। डूबत डूबत हो गुरु जी आपने बचाया। डूबत डूबत हो गुरु जी आपने बचाया। अब को जीवन हो गुरु जी हमारो, अब को जीवन हो गुरु जी सवारी होती जो गुरु गम का सागर तमने लाख लाख वंदना। गुरु गम का सागर तमके लाख लाख वंदना। अंत में धर्मदास जी विनती कर रहे हैं और ये सबके मानव मात्र के घटित की बात करते हैं कबीर साहब, वो हवा में तीर नहीं मारते। जो हम सब मानव मात्र के अंदर की जो घटना होती है वो बात कही है हवा में तीर। कबीर साहब ने जितने भी संत हुए सब ने हवा में तीर नहीं मारे। गिजा मेरा नाम लेना, तेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे उन्हें कहा कर्म कर तब जाके होगा, किसी स्कूल में पढ़ने जाएगा तो तेरी तू सीखेगा, ऐसे नहीं मेरे पास आने से नहीं सीखेगा। अंत में कबीर कह रहे हैं धर्मदास, धर्मदास की गुरु जी अरज गुसाई। धर्मदास की गुरु जी अरज गुसाई।
हमारो आवागमन से बंधन छुड़ाई हो दीजो, गुरु गम का सागर तम के लाख लाख वंदना, गुरु गम का सागर तम के लाख लाख वंदना। आ गुरु गम का सागर तम के लाख लाख वंदन, गुरु गुण का सागर तमने लाख लाख वंदन, गुरु गम का सागर तम के लाख लाख वंदन। अगर धर्मदास जी कहते कि 84 छोड़ा देना, वो तो उन्होंने तो ये कहा, और अगर हमारे जैसे होते तो पता नहीं क्या क्या मांग लेते। ये जीवन को चक्कर मिटाने की बात कही है, हम इस भवसागर में आकर के फंस गए, हमें क्या करना चाहिए, क्या करना था हम कर नहीं पाए, कुछ और ही करने लगे। लेकिन कबीर एक पद में कहते हैं कि तुझे गरीबी धारण करना पड़ेगी, फकीर बनना पड़ेगा। वो कौन सा फकीर? ये मनी वाला फकीर नहीं, मनी अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए खूब। सब कुछ होने के बाद भी तुझे फकीरी धारण करना पड़ेगी, और जिन्होंने फकीरी धारण की उनको ईश्वर परमात्मा अल्लाह खुदा मिला, बाकी को नहीं मिला है। अपन इतिहास उठा करके देख लें, जिनको भी मिला है फकीर को ही मिला है। कितना भी इतिहास उठा करके देख लें, किसी राजा महाराजा को नहीं मिले। तो कबीर कहते हैं फकीरी कौन सी? तन की फकीरी नहीं चाहिए, मन की फकीरी चाहिए। तन की फकीरी हो और मन में कुछ और चलता हो तो वो फकीरी किसी काम की नहीं है। आज हम देख रहे हैं कितने बड़े बड़े साधु हैं, चक्की पीस रहे, अभी लाइन लगी हुई है, ऐसी फकीरी। वो फकीरी चाहिए जिस फकीरी में हमारे पीछे लोग लगना चाहिए कि नहीं ये क्या है, कैसा है, क्यों है। फिर भी मेरा तो जहां तक सुझाव है कि हम किसी के ऊपर उंगली ना उठाएं, अपने विवेक से अपने विचार से चलना चाहिए। और जब तक अपना विवेक से अपन काम नहीं करेंगे तो ऐसे बहते चले जाएंगे, उसका कोई ठिकाना नहीं रह पाएगा। क्योंकि अपने अंदर तो कोई फर्क है नहीं कि कौन साधु सच्चा है कौन झूठा है। कैसे, कौन सी फकीरी धारण करे? मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो रे मेरो यार फकीरी में, जो सुख पावेगा नाम भजन में, है वो सुख नाही अमीर, ओहो वो सुख नाही अमीर। ओरे मन लगो मेरो यार फकीरी में, मन लगो मेरो यार गरीबी में, उस फकीरी में क्या चाहिए? उस फकीरी में दाढ़ी नहीं चाहिए, अन्य प्रकार की वेशभूषा नहीं चाहिए, है? आजकल अगर भोलेनाथ का नाम ले दो, सांप होना चाहिए, गले में डमरू होना चाहिए, हाथ में ये वो आशा नाम याद, और वो टोपी पहना हुआ और यह पहना हुआ होना चाहिए। लेकिन कैसा होना चाहिए फकीर? कैसी, उसमें क्या क्या धारण करना पड़ता है? हाथ में तुम्बा बगल में सोटा, हाथ में तुम्बा बगल में सोटा, है चारों दिशा जागीर में उनका
और क्या धारण करना पड़ेगी? हाथ में तुम्बा, बगल में सोंटा, उनका चारों दिशा जागीरी में। अगर कोई आदमी भगवा वेष पहन लेता है, दाढ़ी रखा लेता है, तो उसे आईडी नहीं मांगे कि तेरी आईडी कहाँ है। और हमें सौभाग्य से कहीं ट्रेन बुक करवा देते हैं तो कहीं हवाई जहाज का भी बुक करवा देते हैं, लेकिन फिर भी मांगते तुम्हारा आईडी कहाँ है। इन बात को आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि वाकई में उस चोले की आड़ में क्या क्या कर लेते हैं। हमें समझने की जरूरत है। और आगे क्या कहा, भला बुरा सब का सुन लीजे, भला बुरा सब का सुन लीजे, मन लागो मेरो यार फकीर, मन लागो रे मेरो यार गरीब। अब इसमें कहां तो जाति आ गई, कहां धर्म आ गया, कहां पंथ आ गया, कहां संप्रदाय आ गया। कबीर कहते हैं कि अब किसका मोल कर रहे हैं आप? ज्ञान का मोल नहीं कर रहे हैं आप, तलवार का मोल करते हैं नहीं, म्यान का मोल करते हैं, म्यान का। कबीर कहते ज्ञान का करिए, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। हम ज्ञान के ऊपर ध्यान नहीं देते, हम जाति के ऊपर ध्यान देते, हम धर्म के ऊपर ध्यान देते। कौन धर्म का है, ये कौन जाति का है? अच्छा अच्छा फला जाति का, तब तो कोई बात नहीं, कुछ कहता होगा। और आगे क्या कहा, आखिर यह तन खाक मिलेगा, एक क्यों फिरता मगरूरी में, एक कहे फिरता मगरू, ओरे मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार गरीबी में। जो सुख पावेगा नाम भजन में, है वो सुख ना ही अमीर भाई, वो सुख ना ही अमीर, ओहो मन लागो रे मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार गरीबी में। कई लोग मुझे प्रश्न करते हैं कि मन लागा मेरा यार फकीरी में, जो सुख पावेगा राम भजन में कहना चाहिए आपको। तो मैंने कहा नाम में भी क्या तकलीफ है भाई, तुम्हारे राम जी ने जब शिला के ऊपर राम लिखा था तो शिला डूब गई थी। जब राम सेतु बना था, सीता जी को लेने गए थे जब, तो किसने राम लिखते तो वो डूब जाता है, और नील और नल अगर लिखता तो वो तीर जाता है, तो ताकत किसमें ज्यादा है? तो ये हमारी बड़ी भूल है। उनको तकलीफ होती है, आप राम कहना चाहिए आप, हो दादा राम कह देंगे, ठीक है आप जिसमें खुदी वो कह देंगे। जो सुख पावेगा राम भजन में, है वो सुख ना ही अमीर भाई, वो सुख ना ही अमीर, आहा मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार गरीबी में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर
काली को मिले का सबूरी मेरे मन लगो मेरो यार फकीरी मन लगो मेरो यार गरीबी मन लगो मेरो यार फकीरी मन लगो रे मेरो यार गरीबी मन लगो मेरो फकीरी। इस तरह की बात करते हैं कबीर। सब संतों ने एक जैसी बात कही जितने भी संत हुए, लेकिन कबीर उसमें अग्रणी है। कबीर ने कभी आडंबर को, पाखंड को कभी स्वीकार नहीं किया। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पासी हो, उन्होंने वो बात रखी जो हित और हिफाजत की हो, जिसमें हम सबकी हिफाजत हो, हम सबका भाईचारा बना रहे, वो बात कही है। मैंने बहुत पहले एक पिक्चर देखा था, मैं छोटा था उस समय, मुझे आज वो बात ऐसी बढ़िया लगती है जिसका कोई जवाब नहीं। जिसमें वो फिल्म का नाम भी मैं तो भूल गया हूँ कि वो कौन सी फिल्म थी, लेकिन वो जो मेन उसका तो वो मुझे बढ़िया से याद रहा कि जानी वाकर तांगा चलाता है और उसका जो घोड़ा होता है वो हरा घास खाता है, और वो हरे घास खाता है तो उसकी दिन भर की कमाई वो घोड़ा ही खा जाता है। तो जानी वाकर परेशान होता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जानी वाकर मालूम आपको कितना चतुर आदमी था, चालाक आदमी था, उसने क्या करा, अपने घोड़े को हरे घास का चश्मा लगा दिया, उसको सूखा भी डाले तो हरा दिखे। ऐसे हम लोगों को भी ऐसे चश्मे चढ़ा दिए हैं कुछ लोगों ने कि कोई हिंदू दिखे, कोई मुसलमान दिखे। जब तक संतों रूपी चश्मा हमें नहीं चढ़ेगा, नहीं लगेगा, तब तक ये दिखते रहेंगे ये वो। इसलिए कबीर कहते हैं कि हम सब एक पिता की संतान हैं, सब एक जगह से आए हुए हैं। एक भजन में इस तरह से ये करने के ऊपर डिपेंड दिया, हम जैसा करेंगे वैसा भुगतना पड़ेगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन हो, चाहे ईसाई हो, चाहे साधु हो, चाहे महात्मा हो, चाहे भगवान हो, सबको भुगतना पड़ा। अपन देखें राम को 14 साल वनवास क्यों हुआ, कृष्ण को उसने उसमें गोली क्यों, वो तीर क्यों मारा, सबको भुगतना पड़ा, करने का फल सबको भुगतना पड़ा, चाहे कोई भी हुआ। तो हम कौन सी खेत की मूली है, हम भी जैसा करेंगे वैसा भरना पड़ेगा। हम अभी जरूर थोड़ा बहुत लेट लेते और कुछ बेवकूफ बना करके कुछ कर सकते हैं, लेकिन आगे जाके उसका दुष्परिणाम होगा, ये पक्की बात है। तो कबीर ने एक पद में अच्छे से कहा कि इनका भेद बता मेरे उदू, अच्छी करनी कर ले तू, डाली फूल जगत के माही जहाँ देखूँगा तू का तू। एक तू ही मुझे दिखता, कबीर कहते हैं, दूसरा कोई दिखते ही नहीं मुझे। कैसे, कबीर कमाई आपनी कबहुन निष्फल जाए, चाहे सात समुद्र वाड़ा फिरे पर मिले अगाड़िया। कबीर या संसार को समझाया सो बार, कबीर या संसार को और समझाया सो बार, पर पूछ जो पकड़े भेड़ की वो उतरना चाहे पार। तो भेड़ को आपने देखा होगा, भेड़ की पूछ कितनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी। कबीर कहते हैं कि हम सब ऐसे लगे हुए हैं कि हम भेड़ की पूछ पकड़ के नदियां को पार करना चाह रहे हैं और बहुसागर को पार करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा। कबीर कहते हैं लिखा लिखी की है नहीं आंखों देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बारात। जब वो हम जिसको चाह रहे अगर मिल गया तो फिर क्या रह जाएगा। मुझे हैदराबाद आना था तो हैदराबाद की टिकट थी, हैदराबाद आने के बाद में टिकट किसी काम की नहीं, क्या काम की। ऐसे ही मानव जीवन का जो हम दुर्भाग्यपूर्ण जो बात होती है हमारा साथ में,
वो ये होती है कि तू कौन समाज का है, वो है कहाँ रहता है वहाँ, अच्छा कौन समाज का, अच्छा जा उधर बैठ जा। कबीर के इन बातों से बहुत ही, उन्होंने पाखंडवाद से, जातिवाद से, धर्मवाद से बहुत लड़े। उन्होंने कहा कि पंडित केरी पोतिया जूती तर्को ज्ञान, औरन सगुन बतावे ही खुद अंधेरे के माई। क्या है पंडित केरी पोतिया जूती तर्को ज्ञान, औरन सगुन बतावे ही खुद नरक में जाई। यानी पोथी पढ़ने वाले की किसी की जात नहीं है, पंडित कोई जात नहीं है। पंडित कहते हैं पोथी किताब पढ़ने वाले को, किताब की जानकारी करने वाले। और क्या कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो ढाई अक्षर का तो ज्ञान ही नहीं है। और क्या कहा, अच्छी करनी कर ले तू डाली फूल, जगत के नाही जा दे कुआं तू का। ए डाली फूल जगत के माही जा दे कुआं तू का, तू जा दे कुआं तू का, तू जा दे कुआं तू का। कैसे कहां पर तू का तू, हमारी तुलनात्मक स्थिति को भी उन्होंने जानने की कोशिश की। हम क्या कहते हैं, हाथी बहुत बड़ा, उसके अंदर किसी अलग प्रकार का जीव होगा है? कुलपति जी अभी आए तो उनके अंदर कोई अलग प्रकार का जीव होगा, मैडम जी बैठी इनके अंदर भी कोई अलग प्रकार का जीव होगा, नहीं ऐसा नहीं, सबके अंदर एक जैसा। उन्होंने ये कहा, सवाल होता है हमारे नजरिए का। बेटा चीटी में छोटा तू, कोई महावत ऊपर बैठे हाकन वाला तू का। अरे हाथी में हाथी बन बैठा चीटी में छोटा तू, कोई महावत ऊपर बैठे ना हाकन वाला तू का। अरे इनका भेद बता मेरे, अब तू अच्छी करनी कर ले तू डाली फूल, जगत के माही जा दे कुआं तू का तू। और कहां पर आप गौर करिए, समझिएगा बात को। और आगे क्या कहा, और चोरों के संग चोरी करता बदमाशों में भेड़ो तू, चोरी करके तू भग जावे पकड़ने वाला तू का तू। ए चोरों के संग चोरी करता बदमाशों में भेड़ो तू, चोरी करके तू भग जावे पकड़ने वाला तू का तू। अरे इनका भेद बता मेरे, अब तू अच्छी करनी कर ले तू डाली फूल, जगत के माही जा दे कुआं तू का तू। अब दुर्भाग्य कही कि हमारे घर में ही सब लोग बदमाश है, क्या करें, हमारे घर में ताला क्यों लगता है? घर में भी ताला लगता है क्योंकि घर में भी कोई ना कोई बदमाश है। हमारे देश में सिक्योरिटी कितनी लगी हुई, क्यों लगी हुई, हम सब कोई ना कोई बदमाश है बीच में, ईमानदार नहीं है। इसलिए कबीर को कहना पड़ता है कि हमारे लोग में से कोई चौकीदार है, हमारे लोग में से कोई एक फौजी है, हमारे देश में से कोई एक राष्ट्रपति है, हमारे देश में से कोई एक, हमारे मनुष्य में से कोई, सब सारे पद बने हुए, लेकिन हम में से कोई चोर भी है, हम में से में कोई डाकू भी है, तब जाके ये करना पड़ा। तो और आगे क्या कहा, मांगन लागे देने वाला तू का। अर दाता के संग दाता बन जा भीख
बारी में भेड़ो तू मंगतो होकर मांगन लागे देने वाला तू का तू। अरे इनका भेद बता मेरे तू अच्छी करनी कर ले तू डाली फूल जगत के माही जा देखू तू का तू। और हम आज आरक्षण की बात करते हैं। आज से 650 साल पहले कबीर ने एक दर्जा दिया बराबर बराबर का, उन्होंने ये बात कही और स्वीकार किया। नर नारी में एक भी राजा तो दुनिया में तीसरे क्यों, बालक होकर रोमन लागे राखन वाला तू का तू। ये नर नारी में एक भी राजा तो दुनिया में तीसरे क्यों, बालक होकर रोमन लागे राखन वाला तू का तू। इनका भेद बता मेरे तू अच्छी करनी कर ले तू डाली फूल जगत के माही जा दे कुआं तू का तू। और पर्यावरण भी कहा कि पर्यावरण भी हमसे अलग नहीं, उसमें भी वो है। कैसे? अंत में कहा जल थल जीव में तू ही विराजे जा दे कुआं तू का तू। कहे कबीर सुनो भाई साधु गुरु मिला है झुका तू। ये जल थल जीव में तू ही विराजे जा दे कुआं तू का तू। कहे कबीर सुनो भाई साधु गुरु मिला है झुका तू। और इनका भेद बता मेरे तू अच्छी करनी कर ले तू डाली फूल जगत के माही जा दे कुआं तू का तू। आ डाली फूल जगत के माहिर जा दे कुआं तू का तू। आ डाली फूल जगत के माही जा दे कुआं तू का तू। इसलिए कबीर कहते हैं कि भजन के बिना जीवन अधूरा है। पर कौन से भजन? ये नहीं, ये ठोकने पीटने वाले भजन नहीं, वो भजन कुछ और ही है। वो भजन की जरूरत है, वो भजन हमारे जीवन का सबसे बड़ा ताकत है, जिसमें एक समझ है, जिसमें एक परख है, वो भजन चाहिए। भजन का मतलब ये नहीं कि हम ये गा बजा लें और काम हो गया, बढ़िया गाया, वो बहुत अच्छा, ऐसा नहीं। भजन के अंदर भजन है, भजन के अंदर जो एक ताकत है, जो एक रूहानियत है, उसको जानने की जरूरत है। कबीर ने क्या एक भजन में अच्छे से कहा कि हम करते क्या है, वो बहुत अच्छा संदेश भी है। पहला संदेश, माटी का एक सर्प बनावे उसकी पूजा करिए भैरे उसकी पूजा करिए। माटी का एक सर्प बनावे उसकी पूजा करिए भैरे उसकी पूजा करिए। और असली
सांप जब घर में आवे, असली सांप जब घर में आवे, फिर ले लाठी धमकावे, अंधेरी दुनिया भजन बिना कैसे तीरियो, गरमारी दुनिया नाम बिना कैसे तीरियो। भजन बिना कैसे तीरियो, भजन बिना कैसे तीरियो रे, अंधेरी दुनिया भजन बिना कैसे तीरियो, तुम्हारी दुनिया नाम बिना कैसे तीरियो। ऐसा काम करते हैं, जब नागपंचमी आती ना, नागपंचमी सब जानते हैं आप कि पढ़े लिखे में सब भूल गए नागपंचमी को। नागपंचमी आदमी तो हमारी माता बहने कोयले से मानती है इसे, और फिर उसकी पूजा करती है, और पूजा करते करते अगर कहीं असली आ गया, अरे मारो 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 इसको, मारो जल्दी, सब थाली वाली फेंक देगी। ऐसी ऐसी पूजा, ऐसा विवेक, और वो भी इंसान 84 लाख योनि का सब सर्वोपरि जिसको इंसान कहते हैं, वो करता है ये काम। और क्या करते हैं, जीते बाप को रोटी न देवे, मरियन पे पछतावे भाई, मरियन पे पछतावे, जीते बाप को रोटी न देवे, मरियन पे पछतावे भाई रे, मरियन पे पछतावे, और क्या करते हैं, भूखा था जब भोजन न दिया, भूखा था जब भोजन न दिया, फिर कौवे को बाप बनावे, अंधेरी दुनिया भजन बिना कैसे तीरियो, गरमारी दुनिया नाम बिना कैसे तीरियो। भजन बिना कैसे तीरियो, भजन बिना कैसे तीरियो रे, अंधेरी दुनिया नाम बिना कैसे तीरियो, तुम्हारी दुनिया भजन बिना कैसे तीरियो। और क्या करते हैं, अभी अभी थोड़े दिन हुए नवरता गई, नवरता गई वो, फिर गणेश जी को बिठाते हैं। नवरता में तो आदमी 9 दिन तो बिल्कुल आए लाल गुलाल, लाल पट्टी बांध लेगा, जूते निकाल देगा, पानी नहीं पिएगा, रोटी नहीं खाएगा, 9 दिन, सिर्फ 9 दिन, और 10वें दिन खत्म। ऐसी पूजा सिर्फ 9 दिन, उसके बाद सब आता माता पानी में फेंक आएंगे, क्या करेंगे, कुछ कर ये करेंगे वो करेंगे, सब गड़बड़ सब। ऐसा ऐसी पूजा, कबीर संदेश देते हैं बहुत बढ़िया से, गारा की गण गोर बनावे, पूजा लो की लुगाई भैरे, पूजा लो की लुगाई, अब एक दुर्भाग्य और हमारे हमारे देश में है, असली नहीं चाहिए नकली चाहिए सब, क्या क्या, माता असली चाहिए, पिता असली चाहिए, हैं रिश्तेदार असली चाहिए, औलाद भी असली चाहिए, सब असली चाहिए, खाली भगवान नकली चाहिए।
भगवान कांसे का चलेगा, पीतल का चलेगा, मट्टी का चलेगा, और भी चीज का चलेगा। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। लेकिन उसको करने के बाद भी जानना पड़ेगा, हम शायद उसको भूल गए हैं, इसलिए उसको आपको याद दिलाने के लिए सभी हैं। लेकिन हम उसमें लगे, ओम जय जगदीश हरे, उसमें लगे हुए। जबकि तुलसीदास जी ने एक शब्द में लिखा है चौपाई में कि कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस कर्म करे तस फल चाका है। और कबीर कहते हैं कि राम के कहे जगत गति होई, खांड कहे मुख मीठा। सकर सकर कहने से मुख मीठा होगा? नहीं होगा। राम राम कहने से भी राम नहीं मिलने वाला है। राम के बताए मार्ग पे चलोगे तब मिलेगा, राम के बताए हुए सही मार्ग पर चलेगा उसको मिलेगा, वो सही है। राम 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 क्या कर रहा है? राम 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 एक बिल्डिंग हो जाना चाहिए, राम 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 ये ऐसे राम, मुख में राम बगल में छुरी, ऐसे राम से काम चलने वाला नहीं है। कबीर कहते हैं कौन सा राम की बात करी कबीर ने? जो आम 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 में रम रहा, उस राम की बात कही है। जो सबकी नाक में से ऊपर नीचे चलता है उसको कहते हैं राम। जो आम के अंदर रम रहा है उसको कहते हैं राम। आम जो रम रहा है, हमारी नाक से जो निकल रहा है, नाभि से उठकर के यहां तक आता है, उसको कहते हैं राम। हमारे तो आदत पड़ी धनुष लेके कोई देखेगा उसी को राम कहते हैं। वही राम है, बाकी कोई नहीं है। वो भी होगा, अपन उसको भी मान लेते, लेकिन उसने क्या कहा और हम क्या कर रहे हैं? और आगे क्या कहा? ए कारा की गण गोर बनावे, पूजे लो की लुगाई भैरे, पूजे लो की लुगाई, अरे पकड़ टांग पानी फेंके, पकड़ टांग पानी में फेंके, फिर कहां गई सकलाई अंधेरी दुनिया, भजन बिना कैसे जियो करमारी दुनिया, भजन बिना कैसे जियो। भजन बिना कैसे तीरियो, नाम बिना कैसे तीरियो रे अंधेरी दुनिया, भजन बिना कैसे तीरियो तुम्हारी दुनिया, नाम बिना कैसे तीरियो। और अंत में एक संदेश है, हमारे देश के अंदर बड़ा अंधविश्वास है कि मेरे यहाँ एक लड़का दे देना मैं तेरे को बकरा चढ़ाऊंगा, माता के आगे खड़े होकर के कहता है। मेरा एक बिल्डिंग बनवा देना मैं तुझे ये चढ़ाऊंगा, मुझे एक बहुत बड़ी सी अच्छी कार दिला देना मैं तुझे ये चढ़ा दूंगा, मुर्गा चढ़ा दूंगा, बकरा चढ़ा दूंगा, पैसे चढ़ा दूंगा, ये चढ़ा दूंगा, ये बड़ी विडंबना है। उसके बारे में कबीर ने अंत में कहा है, भेरु भवानी से छोरा मांगे शिश बकरा के साथे भाई, शिश बकरा का बदले भेरु भवानी से छोरा छोरी मांगे शिश बकरा का बदले भाई रे, शिश बकरा का बदले कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, अर पूत परायो मत काटे अंधेरी दुनिया, भजन बिना कैसे तीरियो करमारी दुनिया, नाम बिना कैसे तीरियो अंधेरी वो दुनिया, भजन बिना कैसे तीरियो।
आ भजन बिना कैसे तीरियो, आ भजन बिना रे कैसे तीरियो रे, अंधेरी दुनिया भजन बिना कैसे तीरियो, धर्मारी दुनिया नाम बिना कैसे तीरियो, अंधेरी दुनिया भजन बिना कैसे तीरियो। इसी तरह से कबीर कहते हैं कि मानव जीवन अगर मिला है तो कुछ अच्छा कर ले, मानव जीवन अगर मिला है तो हम इसको पहचान कर ले कि हम, ये हमारी जो चादर बनी ना, ये इतने बारीक तागे से बनी, इस आंख से देख भी नहीं सकते, और इस चादर को हम वैसे ही मेली कर लेते हैं, इसका कोई मायने नहीं रखते। कबीर कहते हैं इसका विचार करिए, शोध करिए, अपने आप का चिंतन करिए कि हम कहाँ से आए, क्या करना था और क्या करना चाहिए। कबीर ने एक बहुत अच्छे चादर से एक भजन गाया है, हम इस कपड़े को ढकने के लिए बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, जोड़ प्रेस करवाते हैं, रंग बिरंगे पहनते हैं, तब जाके अच्छे लगते हैं, लेकिन इस चमड़ी को बनाने में कितना उसको समय लगा होगा, आप इस भजन में गौर करें। पांच तत्व का है नहीं काया नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं ताका नाम कबीर, कबीर आया घर प्रेम का और खाला का घर नाई, शीश काट भूमि धरे जब बैठे घर माई। हमने चादर को ओढ़ लिया, चादर हमको पहना दिया, लेकिन उसका यतन नहीं किया, इसके लिए उन्होंने ये बात कही है। क्या कही? ये सदा नाम रस पीनी चादर झीनी रंग पीनी हो, राम नाम रस बीनी चादर झीनी रंग बीनी हो जी, कैसे बीनी? अब हम अचरज में पड़ जाते हैं, राम नाम रस बीनी चादर झीनी, लेकिन कौन से राम? अब आपको बात करेंगे आगे, कैसे बनी चादर? अष्ट कमल का चरखा चाले पांच तत्व गुण तीनी चादर झीनी रंग बीनी हो जी, अष्ट कमल यानी पांच तत्व और तीन गुण से मिलकर हमारा शरीर बना है, और तीन गुण मिलाते हैं तो तीन गुण कौन से, किनको कहते हैं तीन गुण? ब्रह्मा विष्णु और महेश, पर अब हमने उनको बहुत बड़ा देवता मान लिया, जब शिव का नाम आता है तो गले में सांप और जटा ये वो डमरू आना चाहिए, ब्रह्मा का नाम लिया तो उसको दो चार छः मुंडी होना चाहिए, वो उसको कहते हैं जहाँ मैंने जो जो नाम शुरू आता है तो हम फोटो में उलझ जाते हैं ऐसे। और क्या कहा? अष्ट कमल की चादर ऊनी पांच तत्व गुण तीनी चादर झीनी रंग बीनी हो, सुरत महीनी चादर झीनी रंग बीनी हो जी, मर सदा राम रस बीनी चादर झीनी रंग बीनी हो जी। अब इंगला पिंगला ताना बीना सुष्मण या भर दीनी चादर झीनी रंग बीनी हो जी,
निगला और पिंगला किसको कहते हैं? साधु महात्मा के पास जाते तो वो नहीं पता, पहले पूजा वूजा कर, पहले मेरी सेवा कर 10-12 साल, उसके बाद में बताया जाएगा क्या होता है इंगला और पिंगला। उलझा के रखा सबको। इंगला और पिंगला हमारी दाएं बाएं नाक के स्वर को कहते हैं, इसको गंगा जमुना भी कहते हैं, इसको चांद और सूरज भी कहते हैं। इंगला और पिंगला साधु संतों की भाषा है। एक स्वर में से ठंडी हवा निकलेगी, एक में से गर्म निकलेगी, अब समय के अनुसार जब बीजारोपण होता है उसकी बात कही है। इंगला पिंगला ताना बीना सुसमण या भरती चादर झीली रंग बीनी हो जी। ए 9-10 मासी पीतल लागा, 9-10 मासी पीतल लागा, या ठीक ठाक कर बीनी चादर झीली रंग बीनी हो जी, या ठीक ठाक कर बीनी चादर झीली रंग बीनी हो जी। मैं सदा राम रंग बीनी चादर झीली रंग बीनी हो जी। अब हम विचार करें, एक पानी की बूंद के अंदर हमारे शरीर की संरचना हुई है, उसमें दांत नाक आंख कान सुंदर शरीर। हम अगर ज्यादा गौर करें तो हम कुछ है ही नहीं भगवान के लिए, हमारे लिए। और आगे क्या कहा, जब ये चादर बुनकर आई घर धोबी को दीनी चादर झीली रंग पीनी हो जी। जब ये चादर बुनकर आई घर धोबी को दीनी चादर झीनी रंग बीनी हो जी। ए सूरज सिला पे पकड़ पछाटी, सूरज सिला पे पकड़ पछाटी, या इस विद उजड़ी कीनी चादर झीनी रंग बीनी हो जी, या इस विद उजड़ी कीनी चादर झीनी रंग बीनी हो। मैं सदा राम रस पीनी चादर झीनी रंग पीनी हो जी। चादर बुनकर के आती है, किसी बुनकर से पूछिए आप तहकीकात करना। जब बुनकर के आती है तो उसको पहले धोई जाती है और धुलने के बाद फिर रंग चढ़ता है, तो रंग कैसा चढ़ना चाहिए? इसलिए सबसे पहले माता पिता, माता और पिता गुरु होते हैं सबसे पहले, बाद में कहीं और होता है। इसलिए वो रंग चढ़ाने का काम माता और पिता का है, तो तब रंग कैसा चढ़ना चाहिए कबीर कहते हैं। जब ये चादर बुनकर आई घर धोबी को दीनी चादर झीनी झीनी हो जी। जब ये चादर धुल कर आई रंग रेज को दीनी चादर झीनी रंग बीनी हो जी। जब ये चादर धुल कर आई रंग रेज को दीनी चादर झीनी रंग बीनी हो जी। अरे प्रेम पति को रंग चढ़ाया, प्रेम प्रीत को रंग चढ़ाया, पीली पीतांबर कीनी चादर झीनी रंग बीनी हो जी, या पीली स्वतांबर कीनी चादर झीनी रंग बीनी हो जी। मर सदा राम रस बीनी चादर झीनी रंग बीनी हो जी। अब ओढ़ने की बारी आती है, कंप्लीट बना करके देते तो ओढ़ना नहीं याद नहीं आया कैसे ओढ़ना चाहिए। ओढ़न को दी ओढ़न ना जानी दाग दगीली कीनी चादर झीनी रंग बीनी हो जी। ओढ़न को दी ओढ़न ना जानी दाग दगीली कीनी चादर झीनी रंग बीनी हो जी। अरे अर्जुन वार्ड महरम नहीं जाना, अर्जुन वार्ड महरम नहीं जाना,
मैली कीनी चादर झीनी रंग बीनी हो जी मैं सदा राम रस पीनी चादर झीनी रंग बीनी हो जी अब जिन्होंने ओढ़ करके मैली कीनी उनका भी नाम जिन्होंने ओढ़ करके मैली कीनी मैली करने के बाद धो डाली उनका भी नाम और जिन्होंने ज्यों की त्यों रख दी उनका भी नाम कैसे आप सबने सुना ही होगा उसमें कबीर अग्रणी है कैसे ध्रुवड़ी प्रहलाद ने ओढ़ी सुखदेव निर्मल कीनी चादर झीनी रंग बीनी हो ओड़ी प्रहलाद ने ओड़ी सुखदेव निर्मल कीनी चादर झीनी रंग बीनी हो जी और साहब कबीर ने जुगत सवोड़ी साहब कबीर ने युक्ति सवोड़ी या चौकी त्यो धर दीनी चादर झीनी रंग बीनी हो जी या चौकी त्यो धर दीनी चादर झीनी सदा राम रस पीनी चादर झीनी रंग पीनी हो जी या सदा राम रस पीनी चादर झीनी रंग पीनी हो जी या राम नाम रस पीनी चादर झीनी रंग पीनी हो जी रंग पीनी हो जी रंग झीनी हो जी आप सब परेशान हो रहेंगे कब बंद करें ऐसा तो नहीं है क्योंकि मैं कई शहरों में जाता हूं तो लोगों को टाइम ही नहीं है। मैं एक जगह गया तो जिनके घर मेहमान गया किसी कार्यक्रम में तो जब हम तो सो रहे वो जब हम सो के उठे जब खाना खा रहे करीब 1:30 बजे मैंने कहा साहब आप खाना खा रहे हैं बोलो टाइम ही नहीं है। तो सिटी के लोगों को टाइम नहीं मेरे मुझे वो जब से याद है तो आप सब परेशान नहीं हो मुझे बता देना जब बंद करना हो क्योंकि मैं तो अनलिमिटेड चलने वाला आदमी हूँ। हाँ जब आपको बंद करना हो मुझे इशारा कर देना तो मैं बंद कर दूंगा ना। अच्छा देखिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जागृत रहना नगर में चोर आएगा और जब वो चोर आएगा तो लेकर ही जाएगा वह किसी की चलने वाली नहीं चाहे कोई भी पति आ जाए अगर कोई फोन कर देगा नहीं ये मेरा आदमी छोड़ देगा तो वो छोड़ने वाला नहीं वो लेकर ही जाएगा। इसलिए वो कहते हैं आप जाग जाइए जागृत रहना नगर में चोर आएगा और जब वो चोर आएगा तो लेके जाएगा यानी जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में कुछ समय कुछ कर लें ये उनका संदेश है क्योंकि जाना तो सबको एक दिन है चाहे वो कोई भी हुआ राजा हुआ रंक हुआ फकीर हुआ बादशाह हुआ सबको एक दिन जाना है लेकिन जाने और आने के बीच में कुछ समय रहता है। अचानक किसी की मृत्यु हो जाती है वो अलग बात है लेकिन मानव जीवन अगर मिला है तो उसकी एक सीमा होती है जीने की उसके बीच में कुछ कर लें। अब वो क्या कर लें बहुत सारे कुछ करते लेकिन वो कुछ करने की बात अलग होती है मारकाट कर ले किसी की जमीन छोड़ा ले किसी की जायदाद छोड़ा ले किसी का मर्डर करते वो करने के लिए नहीं कहा। मानव जीवन क्या मानव का धर्म क्या वो करने की बात कही। तो एक भजन है हम कहाँ कहाँ सोए और सोते 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 हमारी सारी स्टेशन पार हो गई है और पता नहीं कहाँ निकल गए और जब नींद खुली तो कुछ नहीं नींद खुली क्या नींद खुली ही नहीं आग लगा दी और खत्म हो गए। उस सोने से पहले जगने की बात कही थी क्या अच्छे दिन पीछे गए अच्छे दिन पीछे गए और किया न गुरु से हेद जब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत
चिड़िया चुग गई उसके बाद फिर क्या है, यानी इंसान का समय रहते हुए अगर कुछ कर लिया तो ठीक, न बाद में कुछ होना जाना नहीं है, बाद में तो रोने की लाइन लगी भी रहती है, फिर पछतावे की लाइन में खड़े रहते हैं, फिर कोई सुनने वाला नहीं है आपकी। इसलिए वो ना सुनने के पहले हम जाग जाएं। सतगुरु कबीर कहते हैं कि बहुजल जीवत मरी है बहुजल तीरी है, जीते जी मरना जिसने सीख लिया उसे मरने का भय खत्म हो जाता है। आज हम डरे और मैं मर जाऊंगा, ये अरर की जो बीमारी है ये खत्म करने के लिए सारी बात की। तो हम कहाँ कहाँ सोए और कहाँ जगना था, इस भजन में संदेश है। मुसाफिर जाग बहुत दिन सो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग बहुत दिन सो लियो रे, जाग मुसाफिर जाग। पहला सोना माने भाषा समझ में आ रही है, घना दिन सो लिया मैंने बहुत दिन सो लिया है ना, घना बोलो तो मेरे मालवा की भाषा है, घना घना मैंने बहुत बहुत सो लिया। पहले कहां सोया, अरे पहले सोयो माता के गर्भ में, वहां कैसे सोया, वहां भी कैसे सोया था, ओंद मुख वहां झूला, हाँ हाँ पहले सोयो रे माता के गर्भ में, मुकुमा झूला, वहां कॉल किया था भजन करूंगा, कॉल किया था भजन करूंगा, बाहर आकर भूला जन्म तेरो हो गयो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग, जन्म तेरो हो गयो रे, जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। पहला सोना हमारा हो गया, माँ के गर्भ में सोया था और सोया क्या, वहां भी उल्टा टंगा था और वहां पे प्रार्थना की मुझे बाहर कर दे मैं तेरे भजन करूंगा, लेकिन बाहर आकर के भूल गया, काकी माँ भुआ पापा पता नहीं कौन कौन आए सब भूल गया, फिर वहां कर फिर दूसरे नंबर कहां सोया, अरे तू जे सोयो माता की ही गोद में, दूध पिया मुस्काया, हाँ हाँ तू जे सोयो माता के ही गोद में, दूध पिया मुस्काया, अरे बहन भुआ तेरो लाड लड़ावे, बहन भुआ तेरो लाड लड़ावे, अरे झूला दिया बंधाई बधाव तेरो हो रयो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग बधाव तेरो हो रयो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग।
वहां भी भूल गया, पल्ले में झूले झूले में सो गया, फिर जो झूला लगाया ना फिर सो गया। तीसरे नंबर कहां सोया? अरे तीज सोयो तीरिया की सेज पे, गले में बइया डारी। हाँ हाँ तीजे सोयो तीरिया की सेज पे, बइया में बइया डारी। अरे मोहम्मद में फंस गया तू, मोहम्मद में भूल गया तू, भूल गया सब कॉल ब्याव तेरो हो गयो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग ब्याव तेरो हो गयो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग गणा दिन सो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। अंत में कहां सोया? अंत में बिल्कुल ऐसे सोया कलड़े बट, एकदम कड़क बम हो गए पूरे, ऐसे भी नहीं हो। कबीर साहब ने माथा छुआ कि क्या कितने जगाने की बात कही थी, और फिर सोया तो ऐसे सोया कि बस ये करने की जरूरत रही। उस सोने के पहले जगने की बात कही थी लेकिन जागा नहीं। क्या कहा अंत में? अरे चौथे सोयो तू जाय समसाना, लंबे पांव पसारी। हाँ हाँ चौथे सोयो तू जाय मसाना, लंबे पांव पसारी। अरे खूब कही तो है जागण की रे, कहे कबीर तो है जागण की, तू जाग्यो नहीं गंवार मरण तेरो हो गयो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग मरण तेरो हो गयो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग गणा दिन सो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग गणाई दिन सो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जा। अरे हाँ जाग मुसाफिर जा, अरे हाँ जाग मुसाफिर जा। आप सब जानते कि कोई भी आदमी हाथ पकड़ करके सतलोक भूलोक या अमरलोक नहीं लेके गया। अगर संतों के बताए मार्ग पर चले, सही मार्ग पर चले तो उनको दिशा मिली, उपदेश मिला, अन्यथा मिलने वाला नहीं है। हमन है इसके मस्ताना, हमन को यारी क्या, लेकिन मुझे आता नहीं है मैं लेकिन फिर भी मैं मस्त बना के एक भजन गा देता हूँ मीरा का, क्योंकि हमन को यारी सबसे है, लेकिन यारी किससे है, यारी किससे होना चाहिए? हमन है इश्क मस्ताना, हमन को यारी क्या, यानी हमन को वो यारी से मतलब नहीं है जो यारी फिजुल हो। कबीर कहते मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो उसमें नहीं मुझा का, और दिल किसी का मत तोड़ो घर खास खुदा का। हमें वो यारी चाहिए, हमें वो प्रेम चाहिए, हमें वो प्यार चाहिए। आज हम देख रहे हैं वो वहाँ के मंदिर की बात करते हैं और यहाँ के मंदिर में कुत्ते उन घुसते हैं इधर से उधर, यहाँ के मंदिर की परवाह ही नहीं है। तो हमें सब दूर बनना चाहिए, सारे चारों दिशा में मंदिर बनना चाहिए, हर घर में हर सब मंदिर बना ले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूज्य कौन रहा है, मान कौन रहा है?
कौन से राम को मान रहे हैं हमें पता ही नहीं है। इसलिए हमें कैडेट होने की जरूरत है, हमें समझ लेने की जरूरत है, ऐसे मार्मिक लोगों से समझने की जरूरत है कि अगर ऐसा होता तो राम 14 साल वनवास क्यों गए। ये राज्य की जो परिभाषा है उसको समझने की जरूरत है, संतों की परिभाषा को भी समझने की जरूरत है। संत हमेशा छुटकारा पाने की बात करते हैं और राज्य अभिषेक जितना होता है उसे बांधने की बात करते हैं। तो कबीर एक पद में कहते हैं, पहले एक भजन सुनाता हूँ आपको मैं, कि मन जब मस्त हो जाता ना, मजे आ जाते हैं उसको, फिर उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, और फिर कुछ कहेगा भी नहीं, मस्त रहेगा। ऐसा मस्त पना जब तक नहीं आएगा तब तक हमारे जीवन का होना ही बिल्कुल बेकार है। और मस्त पना जब तक नहीं आएगा, जब जीवन का जो प्रतिफल कहते वो मिल आएगा, वो मुश्किल है। इसलिए मस्त का एक भजन बोलता हूँ, उसके बाद में आपकी फरमाइश है उसको पूरा, उसके बाद में एक अंत में गाड़ी गाते हैं, जरा धीरे धीरे गाड़ी आ मेरे राम गाड़ी वाले। और वो गाड़ी कौन सी, ये गाड़ी की बात कही है। तो हमें बात बात करते पहले मस्त होते हैं सब, कि मस्त की परिभाषा क्या है। मेरा कभी बोला क्या, मेरा बोलना चाहिए। साहब ने उद्बोधन में कहा कि मेरा भी गाते हैं, गोरख भी गाते हैं, मैं मेरा नहीं गाऊंगा तो ठीक नहीं रहेगा। शायद मैडम जी भी नाराज होगी कि मेरा का बोला और मेरा गाया नहीं। तो एक पद मेरा का बोल देता हूँ। मेरा के किसी भी पद को उठा के देख लो, प्रेम से भरपूर है। और जब तक प्रेम अंतर में नहीं आएगा, हमारा जीवन का व्यर्थ है। और प्रेम जब आ गया तो मेरा ने जहर को अमृत हो गया। सांप उसके लिए भेजा तो वो नवसर हार बन गया, बिच्छू भेजे तो सालाग्राम बन गया। और ये उनका कॉन्स्टिट्यूशन मजबूत था तब हुआ, विश्वास मजबूत था तब हुआ। पर हमारा विश्वास नहीं है, क्योंकि हमारे 33 करोड़ देवता है। किसको माने पता नहीं, हमारा कौन काम करेगा हमें पता नहीं है, हम तो बस चढ़ा देते हैं। इसलिए देखिए मेरा कहती है क्या बात। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाई, आघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सो। कई लोगों ने ऐसा ज्ञान बांट दिया कि हम प्रेम झोला लेकर के खरीदने जाओ, जाओ बाजार में मिले। कई लोग संदेश देते कि नहीं नहीं वो खेत खलियान में मिलेगा, नहीं, अंदर में प्रेम अगर उपजा, अंदर से ही निकलता वो प्रेम है, उसकी बात कही है। और प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन है कोई, बिना प्रेम का मानवा बांधे जमपुर जाए। और पत्ता टूटा डाल से, पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाई, अब कहां बिछुड़ा कब मिले, दूर पड़ेंगे जाए। लेकिन वृक्ष हमें शिक्षा देता है, क्या वृक्ष कहता है, वृक्ष जो बोला पात से, वृक्ष जो बोला पात से, रे सुन ले पात मोरी बात, इना घरा की रीत यही, एक आवे एक जा। तो ये आना जाना तो लगा रहेगा, लेकिन हमें करना क्या, वो बात की है ना। तो मेरा क्या कहती है, मीरा जहर को प्यालो पी गई रे, राम नाम की डोर पकड़ भो पार उतर गई रे, मीरा जहर को प्यालो पी गई रे, राम नाम की डोर पकड़।
भव पार उतर गई रे। अब पहली बात तो ये करें कि राणा उसको मारना ही क्यों चाहता था मीरा को, उसकी खोज करिए। हमारे बीच में बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, सब उनसे पूछना बाद में कि राणा मीरा को मारना क्यों चाहता था, क्या करा राणा ने मारने के लिए। जहर को प्यालो राणा ने भेजो दीजो मीरा के हाथ रे, जहर को प्यालो राणा ने भेजो दीजो मीरा के हाथ रे। क्या क्या मीरा ने कर चरणामत पी गई रे, कर चरणामत पी गई रे, थे जानो गोपाल मीरा मीरा ओ मीरा। जहर को प्यालो पी गई रे, राम नाम की डोर पकड़ भौ पार उतर गई रे। मीरा जहर को प्यालो पी गई रे, राम नाम की डोर पकड़ भौ पार उतर गई रे। और राणा ने ढाला तो को भेजा कि जाओ जहर दिया था मर गई होगी, उसको जला देना या गाड़ देना। राणा ने जब देखा कर ढाला तो ने देखा कि वो तो नाच रही है साहब। फिर ढाला तो ने बोला कि साहब वो तो नाच रही है, अच्छा चलो एक उपाय और करते हैं। अपने पास बहुत सारे उपाय हैं, देखते हैं क्या क्या उपाय। दूसरा उपाय क्या किया, सांप पिपारो राणा ने भेजो दीजो मीरा के हाथ रे, ये सांप पिपारो राणा ने भेजो दीजो मीरा के हाथ रे। मीरा ने क्या करा, खोल टिपारो देखियो रे, खोल टिपारो देखियो तो निकला सालग राम मीरा मीरा ओ मीरा। जहर को प्यालो पी गई रे, राम नाम की डोर पकड़ भौ पार उतर गई। ए पार उतर गई रे, भौ से पार उतर गई रे, पार उतर गई रे, भौ से पार उतर गई रे। मीरा मीरा ओ मीरा, जहर को प्यालो पी गई रे, राम नाम की डोर पकड़ भौ पार उतर गई रे। फिर भेजा ढाला तो कुछ, जाओ अब तो मरी गई होगी, मैंने किंग कोबरा भेजा था, जैसे ही खोला होगा मर गई होगी। लेकिन फिर भी वो तो फिर भी भजन गा रही, नाच रही है। फिर बोला कि राजा साहब वो तो फिर भी नाच रही है, अरे चलो एक उपाय और करते हैं। तीसरा उपाय क्या करते हैं, बिच्छू होता ना काला वाला बिच्छू जो एक बार में एक ही खत्म कर देता है, ऐसा पूरा टिपारा भर के भेजा के जाओ खोलेगी एक निकल दूसरे से तीसरे से चौथे से ये सब काटेंगे तो मरी जाएगी। ठीक है, ए बिच्छू टिपारो राणा ने भेजो दीजो मीरा के हाथ रे, बिच्छू टिपारो राणा ने भेजो दीजो मीरा के हाथ रे। खोल टिपारो देखियो रे, खोल टिपारो देखियो तो निकला सालग राम मीरा मीरा ओ मीरा। जहर को प्यालो पी गई रे, राम नाम की डोर पकड़ भौ पार उतर गई रे। कुछ नहीं हुआ मीरा का, और पैर में घुंघरू बांध लिया और हाथ में करताल ले ली और जोर से नाचने लगी। फिर कहा कि राजा साहब वो तो आपके बस से बाहर है। क्यों, अरे वो तो नाच रही है, हाथ में करताल ले ली और पाँव में घुंघरू और बांध लिए। अरे कि चलो जब छोड़ते हैं इसको, तो राजा को पीछे हटना पड़ा। मैंने विश्वास सबसे बड़ी चीज है, जिसने अपने विश्वास को मजबूत रखा, जिसने अपने
मन को एकाग्र करके परमात्मा में अगर लगाया, अपने आप में लगाया, तब जाकर के वो ताकत मिलती है। पर अब हमारा मन पता नहीं कहाँ कहाँ डोलता रहता है इधर उधर, वो मन को मजबूत करने वाली बात है। तो अंत में मेरा क्या कहती है अपने ईश्वर से, अपने आराध्य से, हाथ जोड़ कर करूं विनती सुन ली जो करतार रे, और हाथ जोड़ में करूं विनती सुन ली जो करतार रे, भाई मीरा को गिरधर मिल गया, भाई मीरा को गिरधर मिल गया, हो गई वो निहाल मीरा मीरा, ओ मीरा जहर को प्यालो पी गई रे, राम नाम की ढोर पकड़ बहु पार उतर गई रे, ओ मीरा जहर को प्यालो पी गई रे, राम नाम की डोर पकड़ भव पार उतर गई रे, या गुरु नाम की डोर पकड़ भव पार उतर गई रे, हाँ सत्य नाम की डोर पकड़ भव पार उतर गई रे, या राम नाम की डोर पकड़ भव पार उतर गई रे। थैंक यू। लेकिन मेरा एक निवेदन भी है कि ऐसा नहीं आप प्रैक्टिकल कर ले, नहीं तो आप कहा था कि वो कालू राम जी आए थे और उन्होंने गाया था इसलिए हम भी तो हम नमें सुहा हो जाएंगे, वो प्रैक्टिकल वाली नहीं है वो आधे तो अंत में कबीर ने एक भजन कहा है, आज से 650 साल पहले बैलगाड़ी के माध्यम से कहा था कि इसको धीरे धीरे घेरना। अब बैलगाड़ी की स्पीड कितनी होती है, बैलगाड़ी की स्पीड कितनी होती है, आप सबने बैलगाड़ी देखी है कि नहीं, आज के युग में उसका कोई मायने ही नहीं है अभी इसका, बैलगाड़ी क्या कहाँ लगती बैलगाड़ी, लेकिन फिर भी कहा था कि इसको धीरे चलाना धीरे चलाना। पर अब हमारी स्पीड तो कम होती नहीं, हम और ज्यादा जोड़ते। कबीर कहते हैं, कबीर का गणित है, यानी अगर धीरे श्वास रूपी दौलत आपको गिन गिन के दिया है, जितना जल्दी इसको खत्म कर दोगे इसका जल्दी ये शरीर खत्म हो जाएगा, ये बात कही है। और ये शरीर के अंदर ये श्वास है तो शरीर है ना, तो कोई शरीर का कोई मायना नहीं है, इसलिए श्वास की हिफाजत करना, श्वास की के अंदर रम जाना, श्वास की अपना आप की तहकीकात कर लेना, वो बात संतों ने कही है। पर अब हम श्वास की परवाह ही नहीं करते। दारू की बाटल पर लिखा था स्वास्थ्य के लिए हानिकार, बीड़ी के माचिस पर लिखा, बीड़ी बंडल पर लिखा हुआ होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकार, और बहुत सारी बातें लिखी, लेकिन हम मानते नहीं है। वो कैंसर का वो बता दिया, तंबाकू के पैकेट में कैंसर होता सड़ा, फिर भी लोग खा जाते हैं उसको, और बड़े सुप्रीम बनते हैं अपनों के, हम इंसान हैं और करते क्या मालूम है, बहुत अच्छे लड़के होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं और बहुत यंग होते हैं, लेकिन नहीं बड़े अरे अरे आ रहा हूँ, वाह वाह, ये ज्ञान, ये इंसान, ये इंसानियत, बीड़ी पिएंगे, सिगरेट, लेटरिन में जाए, बाथरूम में जाके सिगरेट पी के आएंगे, ओहो ये हमारी सुप्रीता। मैंने 3 ग्रेड बनाई है, ए बी और सी, ए में आती है तंबाकू, बी में आती है बीड़ी, सी में आती है सिगरेट। सिगरेट को हम बहुत बड़ी मानते हैं, सिगरेट पीने वाला बहुत सुप्रीम आदमी होता है, जब वो सिगरेट माना गया है और उससे ज़्यादा बढ़ के और नीचे और आना, तो दारू का क्या कोई मायने नहीं है, पी करके उसको उसका कोई इज्जत नहीं होता है, उसको बड़ा आदमी पीता है, बहुत बड़ा आदमी होता है वो पीता है। तो हमारे जीवन में ये जो घटनाएं, अगर हम उसकी तहकीकात करें, उसको समझें, तो ये क्या है, हमारे जीवन की बर्बादी है, तन की होती है, धन की होती है, हमारी इज्जत भी ख़त्म होती है, तो ऐसा हम क्यों करें। और मैंने देखा है सिगरेट पियेंगे बड़ा झटके से, जो कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हो, बहुत बड़ा समझदार हो, ऐसे करेंगे पिएंगे और बात के झटके अलग लगाएंगे, ये सुप्रीमता हमारी। तो देखिए अंत में कबीर ने कहा कि इसको धीरे चलाना है, और धीरे अगर चलाओगे, यानी आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, 1 मिनट के अंदर अगर हमारी 12 श्वास चली तो हम 120 साल जिएंगे, और वो 120
साल कब जिएंगे कि 12 मिनट चलेगी, एक मिनट में 12 श्वास चलेगी तब, पर अब हमारी कितनी निकल जाती है हमें पता नहीं है। कबीर कहते हैं बैठत 12 चलत 18, अगर ऐसे बैठेंगे तो 12 चलेगी और उठ के जैसे चलेंगे 18 हो जाएगी। बैठत 12 चलत 18 और सोवत चले 36। इसलिए संतों ने जागने की बात कही है, बैठने की बात कही है। कोई किसी भी धर्म का हो लेकिन वो बैठने की बात करते हैं, आप 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा बैठिए, स्मरण करिए, चाहे आप किसी को भी पूजिए, किसी को भी राम राम करते रहिए, लेकिन आप बैठिए। लेकिन हम बैठते नहीं है। तो देखिए कबीर कहते हैं धीरे धीरे चलाने की बात। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होई, माली सींचे सो घड़ा, पर ऋतुवाए फल हो। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को तो फूले फले अगा। हम इतने भाव विभोर हो जाते हैं, इतना बड़ा पौधा होता तो वो पत्ते होते ना, वो तो हम उसके ऊपर डालते हैं, तो पत्ते की वजह से पानी इधर उधर चला जाता है, वो हमारी गलती नहीं, हम भाव विभोर हो जाते हैं। कबीर कहते हैं उसके तने में डालना पड़ेगी यहाँ पे, तब जाके वो पिएगा, और जब ये पिएगा तो ऊपर अपने आप फलेगा, और जब उसकी ऋतु आएगी, उसका समय होगा, तब लगेगा। चाहे तू 1000 घड़े डोल दे, 100 घड़े डोल दे, टैंकर डोल दे, फिर भी लगने वाला नहीं। तो क्या कहा, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, वो जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, क्यों धीरे आके गाड़ी अटकती है। कबीर ने बहुत अच्छे से संदेश दिया जल्दी समझने के लिए कि हमारी गाड़ी कहां पर अटकती है। या गाड़ी अटकी रे तुम्हें भाई, मंजिल पड़ी है दूर, या गाड़ी अटकी रे तुम्हें भाई, मंजिल पड़ी है। चकनाचूर भैया हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। और क्या संदेश दिया कि जब ये टूट जाएगी तो उसको जोड़ने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है, चाहे कहां से भी वेद हकीम बुला लें, जब ये टूट जाएगी तो इसको जोड़ने वाला यहाँ कोई नहीं है। हाथ पैर अगर टूट जाएगा
तो हम जरूर कहीं राट वाट लगा लेंगे, लेकिन जब ये जब टूट जाएगा तो इसको यहाँ पे जोड़ने वाला कोई नहीं है। क्या कहा? ए जी, देश देश का वेद बुलाया लाया जड़ी और बूटी, ए जी देश देश का वेद बुलाया लाया जड़ी और बूटी, या जड़ी बूटी तेरे काम राम के घर से टूटी रे भैया, हल्के गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वो, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले, और जब टूटी जाएंगे तो क्या करेंगे? ले चलो जल्दी। कबीर कहते कि नहीं नहीं रख लो, दो चार आठ दिन दस दिन पंद्रह दिन वो रख लो। बहुत लाली पॉप लगाया, बहुत संवारा था, रख लो और दो चार आठ दिन दस दिन, और उन्हें नहीं जल्दी ले चलो, तब जाके कबीर की वाणी या संतों की वाणी हमें अटैक करती है कि वाकई में जीवन क्या है। क्या कहा? अंत में रोने की बारी आती है तो कबीर ने सटीक सरल सहजता से ऐसा बात कही कि ज्यादा कौन रोता है, वैसे रोते तो सारे घर भर के, लेकिन ज्यादा कौन रोता है उसके बारे में बात कही। पिलख पिलख कर तेरी रोवे बिछड़ गई मेरी जोड़ी, पिलख पिलख कर तेरी रोवे बिछड़ गई मेरी जोड़ी, ए जी कहे कबीर सुनो भाई साधो जिन जोड़ी उन तोड़ी रे भैया, हल्के गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले वो, जरा धीरे धीरे गाड़ी जरा हल के गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले ओ मेरे राम गाड़ी वाले मेरे राम गाड़ी वाले। मुझे वो अटकट सा आता है, लेकिन आता जरूर है, मैं उसको गाता कम हूँ, तो अगर भूल गया तो अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन मैं एक वो दूसरा भजन गा देता हूँ, आप कहते हैं एक दोहा। कहाँ से आया कहाँ जाओगे खबर करो अपने तन की, ए सतगुरु मिले तो भेद बतावे भूल जावे अंतर खिड़की, अरे भूल जावे अंतर घटकी,
और कहां से आया कहां जाओगे खबर करो अपने तन की। हे सदगुरु मिले तो भेद बतावे खुल जावे अंतर खिड़की आ रूप जावे अंतर घटकी। अरे हिंदू मुस्लिम दोनों भुलाने खटपट मायर आ अटकी। हाँ हिंदू मुस्लिम दोनों भुलाने खटपट मायर आ अटकी। ए जोगी जंगम सिख से बड़ा लालच मायर आ भटकी। आ लालच मायर आ भटकी। अर कहां से आया कहां जाओगे खबर करो अपने घटकी। सतगुरु मिले तो भेद बतावे भूल जावे अंतर गिड़की। हाँ भूल जावे अंतर गिड़की। काजी बैठा कुरान बाचे जमी जोर वो कर चटकी। हाँ काजी बैठा कुरान बाचे जमी जोर वो कर चटकी। साहिब नहीं पहचाना पकड़ा मुर्गी ले पटकी। आ पकड़ा मुर्गी ले पटकी। ओए कहां से आया कहां जाओगे खबर करो अपने तन की। ओए सतगुरु मिले तो भेद बतावे भूल जावे अंतर खिड़की। आ भूल जावे अंतर घटकी। माला मुद्रा तिलक छापा तिरत व्रत में अटकी। ए माला मुद्रा तिलक छापा तिरत व्रत में अटकी। कहे कबीर सुनो भाई साधु लालच मायर या भटकी। ओ लालच मायर या भटकी। अर कहां से आया कहां जाओगे खबर करो अपने तन की। सतगुरु मिले तो भेद बतावे भूल जावे अंतर खिड़की। आ भूल जावे अंतर घटकी। ओ भूल जावे अंतर खिड़की। आ भूल जावे अंतर घटकी। वाह, मुझे तो पता नहीं था कि इतने जानकार लोग बैठे हैं। मैं तो समझता कि सब ये तो देखिए अंत में एक भजन और बोलूँगा उसके बाद कार्यक्रम को खत्म करेंगे। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। इस मन को मस्त कर लेंगे तब जा करके हमारी बोलती बंद होगी, तो हम बड़बड़ बड़बड़ करते रहेंगे। और जब मन मस्त नहीं होगा तो हमारा जीवन व्यर्थ है, ये महापुरुषों का कहना है। और मन मस्त अगर हो गया तो उसको किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं। लेना देना कब तक रहेगा, जब तक मन मस्त नहीं होगा। देखिए अंत में एक भजन है। मन के मते न चालिए मन के मते है अनेक। जो मन पर अश्वार है सो साधु कोई एक। मन के हारे हार है और मन के जीते जी। ये मन मिलावे राम सेन मन ही करे प्रचीत। और मैंने आसाराम जी के प्रवचन में सुना था कि हमने तो मन को मार लिया। आप किससे कहें कैसे कहें, यानी मन को मारने की जरूरत नहीं है, मन को डाइवर्ट करने की जरूरत है। मन को कहां लगाना है, मन को मार दोगे तो कैसे जियोगे। शरीर के अंदर काम क्रोध मद लोभ लालच सब है और सबकी जरूरत है। हमने तो मन को मार दिया तो फिर ये क्या हो रहा है। मन को मारने की जरूरत नहीं, मन को डाइवर्ट करना है। मन को कहां लगाना है कैसे लगाना है। काम को क्रोध को सबकी जरूरत है। काम को कहां लगाना, कितना लगाना, कैसे लगाना, क्रोध को कहां लगाना है। चाहे जिसका गला काटने की जरूरत नहीं, चाहे जिसकी जमीन जायदाद को छुड़ाने की जरूरत है, वो क्रोध नहीं। क्रोध वहां होना चाहिए, हम सही काम करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। वो काम गलत करेंगे काट देंगे तेरे मार देंगे, ये कोई काम हुआ, ये क्रोध थोड़ी हुआ।
तो देखिए भजन इस तरह से, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, क्या बोले फिर क्या बोले, ऐ मस्त हुआ फिर क्या बोले, ऐ मस्त हुआ फिर क्या बोले, ओ मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, क्या बोले फिर क्या बोले, ऐ मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मनवा मस्त हुआ रे फिर क्या बोले, कैसे घीरा पाया बांध कठरिया, है बार बार वको मत खोले, है चाहे जहां वको मत खोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मनवा मगन हुआ रे फिर क्या बोले, और क्या। कल विवेक भाई कह रहे थे कि यह समुंदर बहुत गहरा है, वो कहां गए थे चिराला, तो हमारे साथियों से कहा गया कितना गोता लगाना लगा लो तुम्हारा सर नहीं फूटेगा, ये क्या वो तालाब में तलाई में गोता लगाते मेरे यहां सर फूट जाएगा, ऐसे समझाइश हमें महापुरुष देते हैं कि गोता कहां लगाना है। मस्त हुआ फिर क्या बोले, मनवा मगन हुआ फिर क्या बोले, क्या बोले फिर क्यों बोले, ऐ मस्त हुआ फिर क्या बोले, ऐ मगन हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मनवा मगन हुआ रे फिर क्या बोले, और क्या सीजन। हल्की थी जब चढ़ी तराजू, हल्की थी जब चढ़ी तराजू, तब क्या तोले, ऐ पूरी भाई तब क्या तोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मनवा मगन हुआ फिर क्या बोले, और सूरत का लालन भाई मधुवाली, सूरत का लालन भाई मधुवाली, ऐ मधुआ पी गई अण तोले, ऐ मधुआ पी गई अण तोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मनवा मगन हुआ फिर क्या बोले,
मन हुआ फिर क्या बोले। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मनवा मगन हुआ फिर क्या बोले। आपने बहुत ही आत्मीयता के साथ में संतों की वाणी को सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, नमस्ते, प्रणाम।